न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। गाय पर कानून बनाने वाली सरकार के नाक के नीचे बच्चों को गौमांस खिलाया जा रहा है, वो भी हिंदू बच्चों को। वो सरकार जो हिंदुत्व का बिगुल फूंकती है, उस सरकार के नाक के नीचे हिंदू बच्चों को ईसाई बनाया जा रहा है, उन्हें बाइबिल पढ़ाई जा रही है। बातें सरकार बहुत करती है, लेकिन उसी के राज में सब धड़ल्ले से चल रहा है। भाई भी उस जिले में जहाँ तीन तीन मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हैं। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के केंट थाना क्षेत्र के नरियावली विधानसभा में श्यामपुरा सेंट फ्रांसिस सेवा धाम आश्रम से जुड़ी है। यह सेवा धाम आश्रम इसी ईसाई मिशनरी का है, जहाँ आरोप है कि धड़ल्ले से हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। साथ ही सेवा धाम आश्रम में यतीम मासूम बच्चों को गौमांस खिलाया जा रहा है, उन्हें बाइबिल पढ़ाई जा रही है और ईसाई बनने की तालीम दी जा रही है। चर्च जाते, लोग कराते, बाइबिल पढ़ाते, गर्दन में गला मसल दिया था, दूध खिलाया था, गाय का मांस खिलाया था, काटते थे अंदर। जब ऐसी शिकायतें पुलिस थानों में पहुंची, केंट थाने में पहुंची, तो पुलिस उन आरोपों को सरे से नकारती है और रिपोर्ट तक नहीं लिखती। लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता ओमकार सिंह ने इस मामले में हवा दी, आवाज बुलंद की, जहां राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सागर पुलिस कप्तान को नोटिस दिया है और कहा है कि 48 घंटे में जवाब दे। अभी उनको कोई नोटिस वगैरह भी आया है पुलिस को? हाँ, पुलिस उस पर FIR दर्ज नहीं कर पा रही थी, वो लगातार आनाकानी कर रही थी। फिर इस विषय को हम बाल अधिकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में भी ले गए। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने परसों नोटिस भेजा है, तो 48 घंटे के अंदर चार बिंदु हैं, चार बिंदुओं पर कार्रवाई करके वो जानकारी पुलिस अधीक्षक। आनन फानन में बाल कल्याण समिति ने मासूम बच्चों के कथन लिए, जहां अब कार्रवाई करने की बात की जा रही है। यह वही सरकार है जिसे भारतीय जनता पार्टी भगवा सरकार कहा जाता है, हिंदुत्व की सरकार कहा जाता है, जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने पर आरोप लगाती थी कि हिंदुओं को कांग्रेस ईसाई बना रही है। तो धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी सरकार आप पर कि बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें गौमांस खिलाया जा रहा है। उक्त मामले में पुलिस को एक शिकायत मिली है, जिसमें कि पुलिस थाना प्रभारी केंद्र उसकी जांच कर रहे हैं, जांच के उपरांत उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें FIR के आदेश जो आप जी, उसमें जांच के उपरांत जो है FIR पंजीबद्ध की जाएगी, और फिर पंजीबद्ध करने के उपरांत फिर उसमें बेचना आगे होगी, फिर जैसा भी उसमें तथ्य आएंगे वैसे उसमें कार्रवाई। सर, काफ़ी समय होगा इस मामले, तो जांच में क्या ये पाया गया कि बच्चे को मास्क खिलाया गया था? अभी हम इसका खुलासा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जांच जब ये कंप्लीट होगी, इसमें उसके बाद FIR पंजीबद्ध होगी, तभी आपके सम्मुख आएगी। उन्हें हिंदू होते हुए बाइबिल पढ़ाकर ईसाई बनाया जा रहा है और आपकी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। शाबाश सरकार, धन्य आप और धन्य है आपकी पुलिस। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मखरोनिया। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।